यूपी के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव में कोई भी परिवार अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखता। इस गांव के लोग 14 अप्रैल 2008 की तारीख को याद करके सिहर जाते हैं। इस गांव के निवासी शबनम को लेकर लोगों के मन में बहुत आक्रोश है। वही शबनम जो आजाद भारत में फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला होगी। तारीख तय होते ही मथुरा जेल के फांसी घर में शबनम को फांसी दी जाएगी। मथुरा जेल प्रशासन ने फांसी की तैयारी शुरू कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। कौन है शबनम, उसका गुनाह क्या है, चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। शबनम यूपी के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव में रहने वाले एक सूफी परिवार की इकलौती बेटी थी। पिता शौकत अली रिटायर्ड शिक्षक थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने घर में ही फर्नीचर का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया था। परिवार में शबनम के अलावा उसके माता पिता, दो भाई, भाभी और उनके बच्चे थे। बच्चों में एक की उम्र महज 11 महीने थी। इकलौती होने की वजह से शबनम को परिवार में सबका प्यार मिलता था। शबनम ने भूगोल और इंग्लिश विषय के साथ एमए किया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो गाँव के ही एक स्कूल में पढ़ाने जाती थी। उसके पिता की फर्नीचर की दुकान में सलीम नाम का युवक काम करता था। सलीम 8वीं पास था और पास के ही गांव में रहता था। इसी सलीम से शबनम को प्यार हो गया। समय के साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों के बीच मुलाकातें होने लगी। कुछ समय बाद शबनम ने इस रिश्ते की बात अपने पिता को बताई। कहा वो सलीम से शादी करना चाहती है, लेकिन पिता इसके लिए तैयार नहीं थे। इसकी दो वजह थी। पहली वजह ये कि शबनम पढ़ी लिखी थी, जबकि सलीम केवल 8वीं पास। दूसरी वजह पारिवारिक हालात भी थे। शबनम संपन्न परिवार से आती थी, जबकि सलीम बेहद ही साधारण परिवार से था। शबनम का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन शबनम, उसे तो केवल और केवल सलीम से ही शादी करनी थी। जब कई बार कहने के बाद भी परिवार वाले नहीं माने, तो शबनम ने एक बेहद खतरनाक प्लान बनाया। प्लान में प्रेमी सलीम को भी शामिल किया। कुछ ऐसा होने वाला था जो दिल दहलाने वाला था। 14 अप्रैल 2008 उस दिन बावनखेड़ी गांव में गर्मी की वजह से लोग आंगन या फिर छतों पर सोए हुए थे। देर रात बारिश शुरू हो गई। लोग अपना अपना बिस्तर समेट ही रहे थे कि उन्हें शौकत अली के घर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। ये आवाज शबनम की थी। वो बुरी तरह से रो रही थी, चिल्ला रही थी। लोग तुरंत उसके घर की तरफ भागे। घर का नजारा देख लोगों के दिल दहल गए। लोग सुन्न रह गए। वहां 7 लाशें पड़ी थी। इनमें से 6 लाशें खून से सनी हुई थी। फर्श पर खून बिखरा पड़ा था। दीवारों पर खून के छींटे थे। 7वीं लाश 10 महीने के एक बच्चे की थी। उसका गला घोंट दिया गया था। शबनम लगातार रोए जा रही थी। कह रही थी डकैतों ने उसके पूरे परिवार को मार डाला। डकैतों ने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो बाथरूम में थी, इसीलिए बच गई। लोग उसे दिलासा देने लगे। पुलिस को मामले की सूचना दी गई। 15 अप्रैल की सुबह यूपी की सीएम मायावती भी बावनखेड़ा पहुंची। शबनम को 5 लाख रुपया बतौर मुआवजा देने की घोषणा की, लेकिन जांच अधिकारी ने उन्हें ये पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि जांच अधिकारी को डकैतों के हमले वाली बात पच नहीं रही थी। इसकी कुछ वजहें थी। दरअसल शबनम ने पूछताछ में बताया कि डकैत दीवार के जरिए घर के अंदर आए, लेकिन वहां किसी के चढ़ने का कोई निशान नहीं था। शबनम ने पुलिस को बताया कि डकैत जीने से भागे हैं। पुलिस के मुताबिक यदि कोई जीने से भागता तो दरवाजा खुला होता, लेकिन ये अंदर से बंद था। इसी बीच किसी मुखबिर ने पुलिस को सलीम के बारे में सूचना दी कि वो घबराया हुआ है। जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि शबनम गर्भवती है। इस बात ने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। सलीम और शबनम को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में इन्होंने जो बताया उसे जानकर ना केवल पुलिस और बावनखेड़ी गांव के लोगों में बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। प्यार में अंधी शबनम ने ही अपने हाथों से अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया था। शबनम का परिवार रोजाना 1 किलो दूध खरीदता था। घटना वाले दिन शबनम ने 2 किलो दूध खरीदा। रात को खाना खाने के बाद शबनम ने परिवार के तमाम लोगों को दूध पीने को दिया। उसने दूध में बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब घर वाले सो गए तो उसने अपने प्रेमी सलीम को बुलाया।
सोई हालत में ही सलीम ने परिवार के एक एक सदस्य का सिर पकड़ा और शबनम उन्हें कुल्हाड़ी से काटती चली गई। माता पिता, दोनों भाइयों, भाभी सहित 6 लोगों को काट डालने के बाद दोनों ने हाथ पांव धोए और कपड़े बदले। इसके बाद सलीम वहां से चला गया। सलीम कुछ ही दूर गया होगा कि शबनम को अपने 11 महीने के भतीजे का ख्याल आया, वो बच गया था। शबनम ने सलीम को वापस आने को कहा लेकिन उसने मना कर दिया। तब शबनम ने ही 11 महीने के उस मासूम का गला घोंट दिया, फिर छत पर जाकर चीखने चिल्लाने लगी। ऐसा लगा कि वो बहुत डर गई है, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पची नहीं। शबनम और सलीम ने सोचा था कि सबको मारने के बाद सारी संपत्ति उनकी हो जाएगी और दोनों आराम से बाकी की जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन हर कातिल कोई ना कोई सुराग छोड़ता है। उनका झूठ पकड़ा गया, अब दोनों को फांसी दी जाएगी। फांसी की तारीख मुकर्रर होते ही शबनम को मथुरा जेल के फांसी घर में फंदे पर लटका दिया जाएगा। महिला कैदियों को फांसी देने के लिए सन 1870 में अंग्रेजों ने इसे बनवाया था। आजाद भारत में कभी किसी महिला को फांसी नहीं दी गई, इसीलिए ये काफी जर्जर हालत में है। शबनम की दया याचिका खारिज होने के बाद से ही मथुरा जेल प्रशासन इसे दुरुस्त करने में लग गया है। फांसी की जिम्मेदारी निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने वाले पवन जल्लाद को दी गई है। पवन जल्लाद 2 बार इस फांसी घर का निरीक्षण कर चुके हैं। अब केवल तारीख का इंतजार है जब इश्क में हैवान बन गई शबनम को फांसी दी जाएगी। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in